हर रोज राशिफल जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप पर भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कई वर्षों बाद नवग्रहों का महासंयोग इन छह राशियों के दूर होंगे दुख और दर्द। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग राशिफल के चैनल पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटे बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि राशिफल रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको उन छह राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके हर दुख दर्द अब दूर होने वाले हैं। नवग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है और यह संयोग बहुत वर्षों बाद होने वाला है, तो इससे छह राशियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं एक के बाद एक उन छह राशियों के बारे में। सबसे पहले हम तुला और कर्क राशियों के बारे में जानते हैं। कई वर्षों बाद नवग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है जिससे तुला और कर्क राशि के दुख दर्द दूर होने वाले हैं। इनके जीवन में खुशियों का संचार हो सकता है, इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस राशि के जातकों को जीवन में हर क्षेत्र में खुशहाली मिलने वाली है। इनकी जिंदगी सफल और कामयाब हो सकती है। इनके घरों में सुख और समृद्धि आएगी। इनके लिए भगवान कृष्ण की आराधना करना उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में विघ्न आ सकता है। धन संबंधी मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे और आप अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। पारिवारिक संदर्भ में आप अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर भी खर्च करेंगे। आप आत्मविश्वास व मनोबल के लिहाज से आप काफी उच्च पायदान पर रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या और वृश्चिक राशि के बारे में। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई वर्षों के बाद नवग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है जिससे कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों के ही दुख दर्द अब दूर होने वाले हैं। इनके जीवन में सुख और शांति आ सकती है। ये लोग आर्थिक तरक्की हासिल कर सकते हैं। इनके घरों में आने वाली हर परेशानी दूर हो सकती है। रोजी रोजगार के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इनके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप भगवान कृष्ण की आराधना जरूर करें। आपका लक्ष्य से ध्यान हटेगा। धैर्य और संयम रखें। समय के अनुसार भोजन न मिलने की संभावना है एवं शांतिपूर्वक निद्रा का अभाव रहेगा। कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे और आपके कामकाज में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मकर और वृश्चिक राशि के बारे में। बहुत वर्षों बाद नवग्रहों का महायोग संयोग से मकर और वृश्चिक राशि के यह समय बहुत ही बेहद और खास रहने वाला है। इससे इनके दुख दर्द दूर होने वाले हैं। इनकी जिंदगी सफल हो सकती है। इनके जीवन में खुशियों का संचार हो सकता है। इनके सपने साकार हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को शांति मिल सकती है। इनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में धन लाभ हो सकता है। आप भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर करें। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर होगा। आपको मेहनत भी करनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से तुला, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर और वृश्चिक इन छह राशियों के सभी दुख दूर होने वाले हैं। नवग्रहों का संयोग से इन छह राशियों के जीवन में अब खुशहाली आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।